तो 7.2 हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, इंटीग्रेशन। और मुझे स्टार्ट तो 7.3 आज करना चाहिए था, लेकिन हमें लगा दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, 1, 2, 3 ये तीन क्वेश्चन है, ये हमें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको तो आई मानिए, आई तो मान ही लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/(1-tan(dx)) में इसको करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया था हमने, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, इंटीग्रेशन 1/(1-tan(dx) का इंटीग्रेशन करना, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। 1/(1-tan(x) को लिखिए sin(x/cos(x), ठीक है, ये आई बराबर फिर देखिए इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ अगर cos x एलसीएम लेंगे तो cos(x-sin(x) हो जाएगा, cos x ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो cos x यहाँ हो जाएगा, cos(x-sin(x) हो जाएगा, ये हो जाएगा, और dx एक, अच्छा यहाँ तक हो गया, cos x हमने एलसीएम लिया और cos x जब एलसीएम लेने के बाद cos x ऊपर चल जाएगा। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 1-tan(x) और 1-cot(x) कोई भी, लेकिन प्रोसेस दोनों का ऐसा है। अब इसमें एक स्टेप थोड़ा ध्यान रखिएगा हमेशा अपनी तरफ से, क्या करना है, 1/2 से डिवाइड करना है, 2 से इंटू करना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ का, cos(x-sin(x) ये देखिए हमने कुछ नहीं किया, 2 से डिवाइड, 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया, बैलेंस है। अब देखिए क्या करना है, 1/2 इस 2cos(x) को हमें cos(x+cos(x) में कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो ये हमने कर लिया, जो नीचे चल रहा है उसको हमने कुछ नहीं किया, 2cos(x+cos(x) नहीं सकते, 2cos(x) होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें एक नीचे जैसा स्टेप बनाना है, ऊपर cos(x+cos(x) तो है लेकिन वो नीचे देखिए cos(x-sin(x) है, ऊपर cos(x) है, तो हम नीचे जैसा ऊपर बनाना चाहते हैं, तो -sin(x) नहीं है, माइनस क्या नहीं है, sin(x) नहीं है, तो एक काम करेंगे, ऊपर वाले अगर नीचे जैसा हमें बनाना है तो एक cos(x) तो है ही है, एक -sin(x) कर दीजिए और एक +sin(x) कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगी। फिर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, पहली बात तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से इंटू किया, ये हो गया, इस 2cos(x) को हमने cos(x+cos(x) को लिख दिया, ये चीज हो गई। अब हमें नीचे जैसा बनाना था cos(x-sin(x), तो -sin(x) नहीं था इसलिए -sin(x) थे, तो अगर -sin(x) करेंगे तो +sin(x) भी करना पड़ेगा भाई बैलेंस करने के लिए। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/2 ये cos(x-sin(x) एक साथ लिखिए, ठीक है, cos(x-sin(x) एक साथ लिखिए, और यहाँ पर ये जो है आपका sin(x+cos(x) एक साथ लिखिए, ये, और यहाँ क्या है cos(x-sin(x) कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट में एक कर लिया, ठीक है, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को एक में कर लिया, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। अब क्या करना है, अलग अलग करिए, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अपॉन ये करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये अपॉन ये करेंगे, दो स्टेप में अगर हम करें तो ये अपॉन ये करेंगे तो आ जाएगा 1dx, क्या आ जाएगा 1dx, और फिर प्लस दूसरा करेंगे तो आ जाएगा sin(x+cos(x)/cos(x-sin(x)dx। क्या किया है हमें इसमें कुछ नहीं किया, दो स्टेप में डिवाइड किया, हाँ 1/2 यहाँ भी होगा, ठीक, हमने क्या किया, ये 1/2 है, ठीक है, दिस अपॉन दिस करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हो गया, डीएस एक हो स्टेप 1/2 लगा दीजिए। फिर एक स्टेप ये है, दिस अपॉन देखिए sin(x+cos(x) और cos(x-sin(x), अच्छा 1/2 तो दोनों स्टेप का होगा, इसलिए 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ, अब ये हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, 1/2 तो यहाँ हो गया, 1 था, अगर x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x हो गया, अच्छा ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है, इसको अभी इस फिलहाल अभी तो यही लिख दीजिए जो लिखा है sin(x), अब यहाँ पर जो लिखा है लिख दीजिए, अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब आप इसको देखिए, ये है, अब इसमें देखिए नीचे वाला मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, देखिए क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए cos(x-sin(x) की जगह पर टी, क्या पुट कर दीजिए, टी दोनों एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, क्या करिए दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, यही तो करते थे dt/dx। अच्छा अब देखिए cos(x) का क्या होता है, देखिए cos(x) का होता है डिफ्रेंसिएशन -sin(x), माइनस का क्या, sin(x) का डिफ्रेंसिएशन cos(x), ये और dx इधर ले आइए बराबर dt। अच्छा क्या किया, देखिए cos(x) का डिफ्रेंसिएशन -sin(x) होता है, ये माइनस लगा ही है, ठीक, और sin(x) का डिफ्रेंसिएशन cos(x), ये dx इधर ले आए। अच्छा यहाँ पर माइनस कॉमन है, ये माइनस क्या करिए उधर ले जाइए, ठीक, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यानी कि sin(x) sin(x) प्लस
कॉस एक्स डीएक्स बराबर माइनस का डी टी, कुछ नहीं किया, बस ये माइनस जो कॉमन लेकर के ये माइनस को उधर भेज दिया, यही मिलेगा। क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाइए, चाहे इसको इक्वेशन वन डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन में आप आ जाइए तो आई बराबर क्या है, आई बराबर आप देखें तो आई बराबर क्या है, पहले एक बटे दो ऐसा ये लिख दीजिए, अच्छा फिर क्या किए एक बटे दो लिखिए इंटीग्रेशन, अच्छा इतने की जगह पर आप देखिए ये देखिए ये देखिए जो अंडरलाइन कर इतने जगह क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, ये माइनस डी टी लिख दिया और इसकी जगह क्या माना है टी, ये हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब कैसे करेंगे, एक बटे दो तो ऐसे ऐसे लिख दीजिए, ये माइनस बाहर निकालिए, माइनस कॉन्स्टेंट है माइनस बाहर निकल एक बटे दो हो जाएगा और वन अपॉन टी डी टी ये होगा। अच्छा एक स्टेप और करिए फाइनल, आई बराबर एक बटे दो एक्स ये हो गया, अच्छा माइनस का देखिए एक बटे दो कुछ नहीं कहिए, एक बटे दो ऐसे हो गया, एक बटे दो और वन अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी, क्या होता है लॉग टी, और जैसे ही हो जाता है तो क्या लिखते थी अब टी की वैल्यू वापस कर दीजिए। लास्ट स्टेप वन अपॉन टू एक्स माइनस वन अपॉन टू और लॉग लिखिए, लॉग लिखा और ब्रैकेट लगाइए, टी की वैल्यू क्या मानी थी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कुछ नहीं किया देखिए एक बटे दो एक बटे दो एक्स माइनस एक बटे दो लॉग और टी की वैल्यू क्या थी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वो लिख दिया और सी सी लास्ट में लगा दीजिए, तो ये रहा आपका आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आई मान लीजिए, क्या मान लेते हैं आई, आई हमने मान लिया ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आप देख रहे हैं कि स्टेप ब्रैकेट में एक्स प्लस लॉग एक्स है, इसी एक्स प्लस लॉग एक्स को आप मान लीजिए, पुट करिए एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर टी मान लीजिए, माना दोनों डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, एक्स प्लस लॉग एक्स इधर भी कर दीजिए इधर भी कर दीजिए, ये हमने क्या किया एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। अच्छा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, ये dx आप इधर लेते हैं ये बराबर dt, देखिए कुछ नहीं कह x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ये dx इधर ले, थोड़ा और सॉल्व करिए, सॉल्व करिए ये एलसीएम ले लीजिए जरा x प्लस 1 अपॉन 1 x, ये देखिए ये और हम कर सकते हैं कुछ नहीं क्या एलसीएम लिया तो x प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन आपका था आई बराबर एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, है ना। अच्छा अब आप देखिए ये पोर्शन देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ रहा है और डी एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं डी टी, क्या लिख सकते हैं डी टी, तो यहाँ पर डी टी लिखिए ये लिखा और ये एक्स प्लस लॉग एक्स क्या माना है टी, ये तो आई बराबर हमारा आ जाएगा, अब इसकी पावर कितनी वन है तो कितना हो जाएगा एक पावर बढ़ जाती है, पावर वन ही तो मानी जाएगी तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, ये तो पता है ना भाई वन जितनी जितनी पावर होती है उसमें क्या होता है एक और ऐड हो जाती है, तो पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ठीक, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, वही हमने याद लिख दिया, जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है सी लगा देते हैं तो आई बराबर हाफ क्या आगे टी टी की वैल्यू, टी की वैल्यू देखिए कितनी है, टी की वैल्यू है आपकी एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, थोड़ा सा अगर आओ अच्छा चाहे तो लिख दीजिए ये बटे दो बाहर ऐसे लिख दीजिए और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये रहा आपका ये आंसर ठीक है, थोड़ा आराम से करिए क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। अच्छा ये अलग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एस कॉस स्क्वायर एस, सबसे पहले तो i बराबर मान लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम, देखिए वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, कोई प्रॉब्लम, ये वही चीज लिखी हुई है जो यहाँ ऊपर लिखी है, ये वही चीज लिखी हुई ठीक। अब इसको करना क्या है देखिए, आई बराबर इस वन को आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, वन किसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम वन लिख सकते हैं, आपने सुना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है वन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वन, तो वही हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स
यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, एक ये स्टेप हो जाएगा और एक हो जाएगा ये हो जाएगा। दो तो स्टेप में हमने डिवाइड कर दिया, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ठीक। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो आई बराबर वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या, ये कैंसिल हुआ था वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हुआ था वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये आया स्टेप कैसे था, दिस अपॉन दिस यानी ये अपॉन ये और ये अपॉन, दो स्टेप में अलग अलग कर दिया। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन क्या होता है, टेन एक्स, प्लस लगाइए ये टेन एक्स होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या इंडिकेशन होता है, मेरे हिसाब से माइनस कॉट एक्स होता है, देख लीजिएगा वैसे होता है यही है, सेक स्क्वायर का इंडिकेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ठीक। अच्छा थोड़ा एक स्टेप अगर और हम करना चाहें तो क्या ले सकते हैं, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, वाई प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएगा सी, ठीक। नोट करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमने 7.2 आज मेरे हिसाब से ये खत्म हो गई, ये 10x और ये प्लस माइनस कॉट एक्स, ये तीनों क्वेश्चन है मैं गारंटी से कर सकता हूँ, इसके दो क्वेश्चन आते हैं 1 माइनस 10x है, इसकी जगह 1 माइनस कॉट एक्स भी आता है, ठीक, प्रोसेस पूरा यही रहता है। तो ये तीन क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा 100% इसमें एक मेरे हिसाब से तो एक तो श्योर है, दो भी आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।